अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पेशल रेसिपी है मेरी किचन में गुलबर्गा की स्पेशल और फेमस मज़ेदार मटन तहारी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे गोश्त की तहारी, गुलबर्गा फेमस मटन तहारी की रेसिपी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस वे में। तो चलिए इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ 500 ग्राम चावल, आप कोई भी चावल लीजिए। इसको अच्छे से 2-3 मरतबा वॉश करके भीगने के लिए छोड़ दें। मटन मैं यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम, बोनलेस मटन है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ली हूँ टमाटर, 4 बड़े मीडियम साइज़ के, कट करके स्लाइस कर लीजिए। तहरी में टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ली हूँ प्याज 4 बड़े मीडियम साइज़ की, इसको भी मैंने स्लाइस कर ली हूँ। हरा मसाला, इसमें हरी मिर्च लीजिए 4 से 5, नींबू लीजिए खट्टे के लिए, और यहाँ पे लीजिए धनिया चॉप करके और थोड़ा सा पुदीना चॉप करके, और कुछ गरम मसाले, ये देखिए हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत, और ये रहे कुछ खड़े गरम मसाले, शाहजीरा 2 बड़े चम्मच, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े और साबित हरी इलायची लीजिए। और यहाँ पे मैं ली हूँ 1 बाउल दही, दही को अच्छे से फेंट के लीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 बड़े चम्मच, अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करिए तभी तहरी में अच्छा सा टेस्ट आएगा। सूखी हुई कसूरी मेथी, आप चाहे तो सब्ज़ी भी ले सकते हैं कच्ची वाली भाजी, ये है फूड कलर ऑरेंज, केसर येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन ये डालने से तहरी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए तहरी बनाना शुरू करते हैं। ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स, फ्लेम को ऑन कर लें। यहाँ पे मैं ली हूँ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर हल्का सा गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड कीजिए 5 बड़े चम्मच ऑयल के। यहाँ पे सारी कटी हुई प्याज ऐड कर लीजिए। अभी प्याज को अच्छे से हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन या डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करते जाइए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी प्याज है अच्छे से ब्राउन हो रही है। इसी तरीके से हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहिए और प्याज को टर्न करते रहिए ताकि इवनली प्याज अच्छे से फ्राई हो सके। थोड़ी सी प्याज को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि गार्निशिंग के लिए काम आए। इतनी सी प्याज बस काफ़ी है, देख सकते हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इसके अंदर अभी सारे खड़े गरम मसाले ऐड करिए। गरम मसालों को प्याज फ्राई करने के बाद ही ऐड करिए ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू बरकरार रहेगी। अगर पहले ही ऐड करेंगे तो तेल में फ्राई करे तक जल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 बड़े चम्मच। अच्छे से अदरक लहसुन को फ्राई कर लीजिए तब तक इसकी कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। अभी इसके अंदर सारा मटन ऐड करिए वॉश करके। मटन को आप अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनते जाइए इस तरह से, तभी गोश्त में अच्छा सा मज़ा आएगा। हमेशा पकाते वक्त मसाले और गोश्त को अच्छे से भून कर ही पकाइए तभी इसमें जायका आएगा। अभी इस पॉइंट पे सारे मसाले ऐड करिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बहुत ही बेसिक से मसाले हैं ये। फिर से हाई फ्लेम करके मसालों को अच्छे से गोश्त के साथ भूनते जाइए। फ्लेम हाई टू मीडियम रखिए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अभी आप कटे हुए टमाटर ऐड कर लें।
इसको भी अच्छे से भून लेते हैं जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसी को भी अच्छे से 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा इसके अंदर चॉप करा हुआ धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करिए। अभी इसके अंदर ऑलरेडी टमाटर का पानी छूट गया है, इसके अंदर सिर्फ आप 1/2 ग्लास पानी ऐड करिए गोश्त को गलने के लिए अच्छे से। अभी आप लिड बंद कर लीजिए। हाई फ्लेम पे आप 4 से 5 सीटी लीजिए और मीडियम फ्लेम पे बाकी के 5 सीटी लीजिए। 8 से 10 सीटी में आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो हमारे 5 से 10 सीटी हो चुके हैं, अभी प्रेशर को रिलीज़ करिए। देख सकते हैं जो हमारी तहरी की ग्रेवी है अच्छे से पक गई है माशाल्लाह। पीस भी देख लीजिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम पीस जो है अलग हो रहा है। नेक्स्ट तहरी को बघार लेते हैं। एक बर्तन लीजिए, उसके अंदर ये सारा गोश्त ट्रांसफ़र करिए। ये बर्तन में गोश्त ऐड करने के बाद अभी इसमें फ्लेम को ऑफ करके दही ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसमें दही डाल लेते हैं। दही डालते वक्त फ्लेम को ऑफ करके डालिए ताकि दही अच्छे से हमारा क्रीमी बनेगा, फटेगा नहीं। अभी अच्छे से दही को मिक्स कर लेते हैं। दही को अच्छे से मिक्स की हूँ। अभी इसी तरह से लो फ्लेम पे बिल्कुल 2 मिनट तक ऑयल सेपरेट होने तक इसको अच्छे से पका लीजिए। तो यहाँ पे जो है ग्रेवी का ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो गया है। अभी इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड कर लेते हैं। सारा धनिया ऐड करिए और पुदीना ऐड करिए इसके अंदर। हरी मिर्च ऐड करिए, कसूरी मेथी। अभी अच्छे से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। कसूरी मेथी ऐड करने से खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, बिल्कुल होटल वाली तहरी जैसी मिलती है। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच। राइस के हिसाब से ऐड कीजिए इसी में ताकि पीस में जो है अच्छा सा नमक लग जाएगा। अभी इसके अंदर ऐड करिए केसर येलो फूड कलर तहरी का, अच्छे से मिक्स कीजिए। जो गोश्त है हमारा अच्छे से सारा मसाला जज्ब कर लेगा। इसी तरह से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ग्रेवी ड्राई होने तक पकाते रहिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े नींबू का जूस, खट्टा आप अपने हिसाब से ऐड करिए। फिर से मिक्स कीजिए। ग्रेवी में नींबू ऐड करने से जो गोश्त है उसमें अच्छा सा सारा मसाला खट्टापन सब लग जाता है, नमकीन बनती है पीस, खाने में भी जायका आता है। तो चलिए अभी पानी ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी में जो है कम से कम 1 ग्लास उतना लिक्विड है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 500 ग्राम चावल। तो 500 ग्राम चावल में आप ऐड करिए 2 बड़े ग्लास पानी के और थोड़ा 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लीजिए। मिक्स करके हाई फ्लेम पे इसका एक बॉईल आने तक छोड़ दें। बॉईल आने के बाद राइस ऐड करना है। लिड बंद कर लें, इसका बॉईल आने तक छोड़ देते हैं। देख लीजिए बॉईल आ गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके चावल को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चावल को अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल ली हूँ। अभी आप फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अब बिल्कुल हाई फ्लेम पे सारा चावल अच्छे से पका लीजिए। देख सकते हैं चावलों में अच्छे से उबाल आ रहा है। इसी तरह बीच बीच में स्लोली आप चम्मच को चलाते रहिए सारा पानी सूखने तक।
आप देख सकते हैं तहारी में जो है पानी वो ऑलमोस्ट सूख गया है, थोड़ा सा पानी बाकी है, उसको भी हाई फ्लेम पे ड्राई कर लीजिए। पानी ड्राई हो गया है पूरी तरह से। अभी चावलों को अच्छे से सेट करके ढक्कन बंद कर लें और लो फ्लेम पे चावलों को दम होने के लिए रख दें। 5 मिनट्स हो चुके हैं, ढक्कन को निकाल लीजिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी मटन तहरी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए इसको गर्मा गर्म ट्रे में सर्व कर लेते हैं। ये रही गुलबर्ग का स्पेशल और फेमस जायकेदार मटन तहरी की रेसिपी आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।